सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दृष्टि माइनिंग को, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि माइनिंग। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम हाइग्रोमीटर के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी के बारे में बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं हाइग्रोमीटर के बारे में फुल डिटेल्स से। चलिए जानते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी तुलनात्मक नमी नापने वाला यंत्र है। चलिए इनके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हैं। पॉइंट वन, हाइग्रोमीटर हवा में आर्द्रता नमी नापने के काम आता है। इसमें दो थर्मामीटर होते हैं, पेट बल्ब का टेम्परेचर जिसे गीली गुंडी का तापमान भी कहते हैं, दूसरा ड्राई बल्ब का टेम्परेचर सूखी गुंडी का तापमान। अगला पॉइंट है, यह -5 डिग्री सेल्सियस से +50 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। अगला पॉइंट है, हाइग्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.5 डिग्री सेल्सियस तक माप सकते हैं। अगला पॉइंट है, 1 मिनट में 200 बार आरपीएम पर घुमाया जाता है, 2 मिनट में 400 बार आरपीएम पर घुमाया जाता है। अगला पॉइंट है, बेट बल्ब थर्मामीटर में मसलिन क्लॉथ लगा होता है। चलिए इसके टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। हाइग्रोमीटर दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है डिजिटल हाइग्रोमीटर और दूसरा होता है रिलिंग हाइग्रोमीटर। भारत के अंडरग्राउंड माइंस में रिलिंग हाइग्रोमीटर का प्रचलन है। चलिए इसके भाग पार्ट के बारे में बात करते हैं। दो थर्मामीटर 15 सेंटीमीटर लकड़ी के फ्रेम में लगे होते हैं। फ्रेम में एक हैंडल भी होता है जिसे पकड़कर यंत्र को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। एक थर्मामीटर की गुंडी हवा में रहती है जिसे ड्राई बल्ब थर्मामीटर कहते हैं, और एक थर्मामीटर की गुंडी पर गीला हुआ कपड़ा लिपटा रहता है जिसे वेट बल्ब थर्मामीटर कहते हैं। ड्राई बल्ब थर्मामीटर ड्राई बल्ब टेम्परेचर को नापता है, वेट बल्ब थर्मामीटर वेट बल्ब टेम्परेचर को नापता है। चलिए इसका प्रयोग के बारे में जानते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। स्पीड, इसको 200 आरपीएम पर घुमाया जाता है और इसका टाइम 1 मिनट तक। अगला रीडिंग लेंगे, पहला बेड बल्ब थर्मामीटर से और ड्राई बल्ब थर्मामीटर फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। पुट द वैल्यू रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 माइनस ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक नंबर वैल्यू है जो टोटली वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर निर्भर करती है। अगर अंतर 20 डिग्री सेल्सियस तक है तो 9 से गुणा करेंगे। अगर अंतर 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर अंतर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, माना कि सूखी गुंडी का तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और गीली गुंडी का तापमान 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, वहाँ कितने प्रतिशत आर्द्रता होगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, वेट बल्ब टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर माइंड ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर फैक्टर 8। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, चलिए फॉर्मूले में वैल्यू को रखते हैं, 100 माइनस ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 100 माइनस ड्राई बल्ब टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर 19 डिग्री सेंटीग्रेड है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8। इस तरह 100 माइनस 23 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 19 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों के बीच का अंतर 4 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई 8। 100 माइनस 4 डिग्री सेंटीग्रेड को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आ जाएगा, और 32 को 100 से माइनस करते हैं तो 68% आ जाएगा, जो उस स्थान की रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। चलिए नॉर्थ में देखते हैं।
हाइग्रोमीटर तभी सही रीडिंग देगा जब मलमल, जिसे मसलिन भी कहा जाता है, 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से हवा बहे। इस कारण हाइग्रोमीटर को 1 मिनट में 200 RPM प्रति की गति से घुमाते हैं। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं। किस थर्मामीटर की रीडिंग सबसे पहले लेंगे, ड्राई वाल्व थर्मामीटर का या वेट वाल्व थर्मामीटर का? इसका सही जवाब है वेट वाल्व थर्मामीटर का। अगर ड्राई वाल्व थर्मामीटर और वेट वाल्व थर्मामीटर की रीडिंग बराबर है तो हवा की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होगी? इसका आंसर है 100% होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोनों थर्मामीटर के टेम्परेचर के बीच अंतर ज्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर इसका क्या असर पड़ेगा? इसका सही जवाब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। ये थी कंप्लीट डिटेल्स हाइग्रोमीटर के बारे में। फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा और एग्जाम इन्हीं में से पूछा जाएगा और आप सही जवाब देकर आओगे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं और अगले सेशन में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।